मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग जिले के दौरे पर रहे, जहां भिलाई के छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट भवन सहित 270 करोड़ रुपए की लागत के 26 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने इसमें 122.95 करोड़ रुपए की लागत के 15 कार्यों का लोकार्पण और 145.59 करोड़ रुपए की लागत के 11 कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और सांसद विजय बघेल और दुर्ग संभाग के सभी विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्ग संभाग और स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज एक साथ 250 करोड़ रुपए का विकास कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम से यूनिवर्सिटी और संभाग के लोगों को काफी लाभ होगा। धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता से किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन गरीबी, शिक्षा और पैसे के लालच देकर किसी को धर्म परिवर्तन करना ये गैर कानूनी है। वहीं लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी को लेकर सीएम ने कहा कि मोदी जी का जितना परिवार है ना, किसी का होगा, क्योंकि 140 करोड़ लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के 11 के 11 सीट बीजेपी भारी बहुमत से जीतने वाली है। आज दुर्ग संभाग और स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, ये दोनों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज एक साथ 250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी के दो बड़े भवन का किए हैं और बाकी जो 4 करोड़ से ऊपर लागत के जो संभाग के काम हैं, उन सभी कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। और इससे निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी को भी लाभ होगा और पूरे संभाग के लोगों को भी लाभ होगा।